नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेन, स्वागत है आपका मेरे चैनल जेके गंगवार पे। आज हम बात करने वाले फिलिप्स की बाईपैप मशीन के बारे में। फिलिप्स बाईपैप एसटी एबैप मशीन कैसे काम करती है, इसकी सेटिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो उस वीडियो के माध्यम से आज आप जान जाएंगे। पहली बात बता दूं आपको, वीडियो पूरा देखना है वो इसलिए क्योंकि मैं वीडियो में बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेटिंग कैसे करते हैं वो सारी चीजों को इस वीडियो के माध्यम से आएंगे, तो उसको पूरा देखना बहुत जरूरी है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं बता दूं आपके लिए, फिलिप्स की जो बाईपैप एसटी मशीन है उसकी सेटिंग के लिए हम लोग उसमें डॉक्टर्स जो बताएगा आपके लिए वही सेटिंग आपको करनी होगी। आप अपने माइंड से कुछ भी सेटिंग नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि आप मार्केट से मशीन ले लेते हैं, आप ऑनलाइन ले लेते हैं, कहीं से भी कैसे भी आप मशीन किसी से सेकेंड हैंड ले लेते हैं, तो क्या होता है कि एंड में मशीन आपको सेटिंग करानी पड़ती है। सेटिंग कराने के लिए यहाँ डॉक्टर आपको सेटिंग लिख के देगा, वो सेटिंग को आप मशीन में फिक्स करेंगे। वो मशीन की सेटिंग हम लोग कैसे करेंगे तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं दोस्तों। मैं पहले आपको मशीन से इंट्रोड्यूस कर दूं। देखिए आप, इसमें मशीन में तीन पार्ट होते हैं, एक होता है इसका अडाप्टर, दूसरी हॉर्स पाइप और तीसरा मास और मशीन। साथ में इसके ह्यूमिडिफायर भी होता है, बट वो एक्सटर्नल होता है, आप उसको चाहें तो लगा सकते हैं और नहीं चाहें तो उसको नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि मशीन में आप देख रहे हैं पीछे अडाप्टर की पिन लगी हुई है, और जो अडाप्टर का जो पावर स्विच है वो बोर्ड में लगा देते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन सामने गोल वाला बटन दिख रहा है, ये घुमाएंगे तो कर्सर इसका स्क्रॉल हो जाता है, और ये साइड में एक ट्रायंगल का छोटा सा बटन दिख रहा है, इस ये रैम टाइम का होता है। जैसे हमें किसी पेशेंट को रैम टाइम देना है किसी पेशेंट के लिए, जैसे कि उसको कुछ देर बाद प्रेशर उसका फुल पहुँच जाएगा, तो उस बटन का यूज़ करते हैं। बाकी जो लेफ्ट साइड में जो बटन है जो ब्लिंक कर रहा है वो है अलार्म का। जब कभी मशीन आप ऑन करेंगे या मशीन चलते चलते मशीन लाइट चली जाए तो ये अलार्म वाला बटन ब्लिंक करने लगेगा और आपके पास सायरन की आवाज़ आ जाएगी। अब मैं मशीन को ऑन करूँगा, इसके स्विच को लगाऊँगा बोर्ड में, तो देखिए ये ब्लिंक कर रहा है जो रेड लाइट की, अभी मशीन ऑफ है, ठीक है। अभी येलो हो जाएगा इसका मतलब मशीन ऑन हो चुकी है, और ये जब रेड होगा इसका मतलब मशीन बंद हो चुकी है, आपको तुरंत आके चेक करना होगा। अभी देखिए जो स्क्रीन इसकी वाइट कलर की जलने लगी है, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन है। अभी जो गोल वाला बटन है मैं इसको घुमा घुमा के इसको कर्सर को स्क्रॉल करूँगा, सेटअप पे हम लोग क्लिक करेंगे, और सेटअप पे क्लिक करने के बाद हम लोग मोड पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें जो भी मोड सेलेक्ट करना है, एस टी ए वेब्स आई सी पैप एस, जो भी सिलेक्ट करना है हम वो मोड इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मोड सेलेक्ट करने के बाद जो बड़े वाले गोल वाले बटन से इससे इसको ओके कर देंगे, जिससे क्या होगा इसकी सेटिंग जो है मोड सेलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे देखिए इसमें सी पे बहुत सारे मोड है, जो भी आपको अच्छा लगे आप मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर। तो हम इसमें उसके बाद आई पैप और ई पैप की सेटिंग है वो हम लोग सेट करेंगे। आई पैप जो भी 6-12 का दिया हुआ है या 16-18 जो भी है 14 का, आप उसको सेट कर लेंगे, ओके कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ई पैप पे आएंगे। ई पैप को हम लोग 6 से 8, 9, 7 जो भी हमें रखना होता है उस पर क्लिक करके हम उसको एडजस्ट कर देंगे, और फिर उसको ओके कर देंगे गोल वाले बटन से, और गोल वाले बटन को घुमाकर हम इसको कम या ज़्यादा कर पाएंगे। इसके बाद देखिए ब्रेथ परमिट आता है, ब्रेथ परमिट कितना देना होता है, ये 14, 16, 17, 18, 15 जो भी आपको सेट करना है, डॉक्टर ने आपको जो भी बोला है ब्रेथ परमिट या रेस्पिरेशन रेट या बैकअप रेट या टारगेट पीटी रेट जो भी सेट, वो सब एक ही चीज़ का नाम होता है, वो हम इसमें सेट कर देंगे। टारगेट पीटी रेट, ब्रेथ परमिट और रेस्पिरेशन रेट, ये सब एक ही चीज़ के नाम होते हैं। मेन वैसे जनरली 14 का रखा जाता है किसी हेल्थी पर्सन के लिए, बाकी क्रिटिकल कंडीशन में डॉक्टर्स को वेरी करवा लेते हैं। बाकी TI की सेटिंग क्या करनी है, 0.9, 1, 2 या 1.5, 1.6 या 0.3, 4, 0.4, 0.6 जो भी आपको करनी सेटिंग, आप इसको स्क्रॉल करके ओके करके उसको सेट कर लेंगे। बाकी राइज टाइम है, रैम टाइम है, ये सेटिंग हम लोग छिड़कानी नहीं करते हैं, जो स्टैंडर्ड सेटिंग है हम उनको रहने देते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग बैक पे क्लिक कर देंगे। बैक पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि हम लोग वापस आ जाएंगे और थेरेपी मोड पे क्लिक करेंगे और मशीन ऑन हो जाएगी। मशीन ऑन होने के बाद देखेंगे आप प्रेशर चलने लगा है और हवा आने लगेगी मशीन की। तो दोस्तों आपने देखा कि मशीन की सेटिंग हम लोगों ने कैसे की, ये मशीन बाईपैप एसटी थी फिलिप्स की मशीन, तो इसकी सेटिंग मैंने आपको बता दी कैसे हम लोग करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग फिलिप्स की एसटी एबैप्स की सेटिंग हम लोग कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ एबैप्स की सेटिंग अलग से होती है। एबैप्स इसमें हम टाइडल वॉल्यूम सेट कर सकते हैं, और आई पैप की हम लोग रेंज डाल देते हैं, ठीक है। वो भी सेम टू सेम इसी तरह से हम लोग उसकी रेंज डालेंगे, उसमें रेंज आपकी 18 से 22 या मतलब 14 से 12 से 22 हो सकती है, तो जैसी डॉक्टर बताएगा आप वैसी रेंज उसमें डाल देंगे। टाइडल वॉल्यूम आपको 450 से 500 या 450 के आसपास अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर आप उसको दे सकते हैं, और आप ज़्यादा कुछ उसमें सेटिंग नहीं करने वाली होती। बाकी TI उसमें होता है और रेस्पिरेशन रेट होता है, रेस्पिरेशन रेट इसमें भी होता है, तो इसी से हम लोग मशीन की सेटिंग कर लेते हैं।
और इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस वीडियो को देखने के बाद मशीन को सेटिंग करते समय, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और आप मशीन को परचेज करना चाहते हैं तब भी मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।